वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल फ्रॉम द स्पोर्ट वायर एंड इवेंट्स। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे आज फिर। और हमारे पास कुछ डिमांड्स थी कि कोल्ड पायरों के ऊपर भी वीडियोस बनाई जाए, तो आज मैं कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ कोल्ड पायरोज आपके सामने लेकर आया हूँ और इनको हम फायर करके भी दिखाएंगे। और अलग अलग वैरायटी है पायरोज की, तो गाइज आप देखिएगा वीडियो को एंड तक ताकि आपको वैरायटीज़ का पता लग सके कौन सा पायरो किस हिसाब से चल रहा है। एक वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये डबल बॉक्स पैक में आता है, डबल बॉक्स की पैकिंग है। ये इस तरह से बेस्ट लिखा हुआ आता है, इसमें छह पीस का सेट आता है। 3 मीटर 30 सेकेंड इसका टाइमिंग रहेगा और 3 मीटर इसका हाइट रहता है। इसी तरह से ये दूसरा आता है ब्लैक प्रो, ब्लैक प्रो के नाम से आता है ये। 6 पीस का पैक है ये भी। इसमें भी इस तरह से 6 पीस आते हैं। इसका भी टाइमिंग जो है वो 3 मीटर 30 सेकेंड का ही रहता है। इसी में एक ये रशियन इंट्रोड्यूस हुआ है रेड ड्रैगन करके, ये भी 6 पीस का पैकिंग है। इसका हाइट काफ़ी अच्छा जाएगा और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है इसका मार्केट में। इसको अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इसका। रेड ड्रैगन इसको बोलते हैं, इस तरह से इसका प्रिंट आता है। ऐसे ही ये ब्लैक कैट करके पायरो चलता है, ये भी 6 पीस का ही पैक है। इस तरह से पैकिंग आएगा ब्लैक कैट। चारों ही जो ब्रांड्स हैं ये फेमस हैं काफ़ी पायरो में, और इनका जो है टाइमिंग लगभग 3 मीटर 30 सेकंड पूरा रहता है और रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। गाइस अगर किसी भी इनमें से कोई भी पायरोस की आपको रिक्वायरमेंट है बल्क में, होलसेल में या कुछ कम क्वांटिटी में भी, हम लोग स्टार्टिंग में देते हैं कस्टमर को ताकि वो यूज़ करके देखें, अगर उनको अच्छा लगे तो वो फ्यूचर में इसको बल्क क्वान्टिटी में हमसे परचेज कर सकते हैं। प्राइस भी हम लोग होलसेल में रखते हैं। तो कोई भी क्वेरीज होगी, नीचे वीडियो में नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप या वीडियो कॉल कर कॉलिंग करके पूछ सकते हैं कि कितना प्राइस है। उस हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से हम प्राइसिंग देंगे और आप लोग जो है पायरोस काफ़ी अच्छे प्राइस में आप ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप होलसेल भी करना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, हमारे पास में काफ़ी स्टॉक रेडी रहता है, ऑलरेडी हम लोग रेडी रखते हैं स्टॉक अपने पास में, तो हम लोग होलसेल में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर किसी को रीसेलिंग करना है, रीसेलिंग पर्पज़ के लिए भी हमारे पास पायरोस बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल मिलते हैं। ओके, तो आज मैं ये चारों ही वैरायटीज जो हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 12 चैनल मशीन के साथ मैं फायर करके दिखाऊंगा सबकी हाइट और टाइमिंग का, और इसको एक्सप्लेन करेंगे। गाइस अगर आप लोगों को हमारे चैनल की वीडियोस जो भी हम बनाते हैं अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि रेगुलरली हम लोग अपडेट कर रहे हैं, नए आइटम्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो रेगुलर अपडेशंस आपके पास आएंगी, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज, ये मैंने डबल बॉक्स पैकिंग का जो मैंने दिखाया था वो कोल्ड फायर अटैच किया है, यहाँ इसकी वायरिंग अटैच कर दी है AN01 चैनल के साथ, और ये इसका स्विच ऑन किया, ये कनेक्टेड है, एक ही लाइट ब्लिंक कर रही है। अब इसको फायर करते हैं। इसको फायर करेंगे एक इसका किस तरह से परफॉर्मेंस है। लाइट ऑफ कर दी, लाइट ये भी ऑफ कर दीजिए।
ये मैंने ब्लैक कैट का एक सैंपल लिया है वायरों का, ठीक है। इसको वायरिंग मैंने यहाँ कनेक्शन कर दिया है, एक लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब कनेक्टेड हो गया है सर्किट, हमारे रिमोट सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। अब मैं इसको चला के देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा आएगा। ब्लैक कैट वायरों लाइट ऑफ करते हैं, ये रिमोट से कनेक्टेड है, AM01 एक नंबर चैनल दबाएंगे, एक नंबर कनेक्टेड है। सो फ्रेंड्स, ये रेड ड्रैगन मैंने कोल्ड पायरो ले लिया है, इसको भी कनेक्शन कर दिया है, एक लाइट ब्लिंक कर रही है, दैट मीन्स कनेक्टेड है सिस्टम के साथ रिमोट से। इसकी परफॉर्मेंस देखिए मैच कैसी रही थी, लाइट्स ऑफ की, AM01 से कनेक्टेड है, तो रिमोट का एक नंबर चैनल शूट करेंगे।